इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी के लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी मौजूद हैं। सर, शिवपाल यादव और डीपी यादव साथ आ गए हैं, क्या लगता है 2024 भी चुकी सामने है तो यादव वोटरों को साधने की कोशिश शिवपाल यादव कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात जानती है और इस तरह का अनेक गठबंधन हम लोग देख चुके हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन देखा, सपा और बसपा का गठबंधन देखा। अब उत्तर प्रदेश की जनता जात की राजनीति को नकार चुकी है, परिवारवाद की राजनीति को नकार चुकी है, भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए और विकास की राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। यह बात उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। ये जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं वो सब जानते हैं कि होना कुछ नहीं है, केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है। केवल और केवल मीडिया कवरेज और लोगों में उनका आभा मंडल बना रहे, इस प्रकार का गठबंधन कर रहे। उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके किसी झांसे में आने वाली नहीं है। शिवपाल यादव ये भी कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर आएंगे, संघर्ष करेंगे, चूंकि जो कई ऐसे वर्ग हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी अनदेखा कर रही है। चलिए, अच्छा है, संघर्ष करें, समाज में जागरूकता का काम करें, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता अब जात की राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। इससे हटकर एक सवाल की मदरसे को लेकर जो सर्वे का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उसको लेकर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि एक तरह का ये एनआरसी ही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय बधाई के पात्र है, इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जो लोग माइनॉरिटी का नेता नेतृत्व करने की बात करते हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षित होते हुए नहीं देखना चाहते, उनको मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते, उनको केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं, उनको अशिक्षित और गरीब बनाए रखना चाहते हैं। जबकि सरकार का लगातार प्रयास है कि मदरसों का उच्चीकरण किया जाए, मदरसों में व्यवसाय परक शिक्षा दिया जाए, मदरसों में इंजीनियर और डॉक्टर बनाए जाए, लेकिन ये लोग अपने वोट बैंक की राजनीति में इन सब चीज़ों को राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसको अब स्वीकारती नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।